ये सब नहीं खाता। हमें आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ अनु? बोलो ना, क्या बात है? दीदी, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा है। आपको कैसे विश्वास दिलवाएंगे? अनु, तुम कह रही हो ना, तो हमारे लिए बस उतना ही काफी है विश्वास करने के लिए। बोलो, क्या बात है? दीदी, हमारे घर में जो रजत बन के रजत रह रहे ना, वो रजत है ही नहीं। मतलब? दीदी, हमारे घर में जो रह रहा है रजत, वो रजत नहीं है, वो रजत का पैरूपिया है और उसका नाम समीर है। अनु, तुम ये कैसे कह सकती हो? हाँ दीदी, अनु, अगर तुम ये कह रही हो और ये बात एकदम पक्की है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी को भी बिना सबूत के बताएंगे तो सब हमें पागल ही समझेंगे। जी दीदी, इसलिए हम पहले सबूत ढूंढेंगे, फिर सबको बताएंगे। मौनी! दीदी, मम्मी जी हमें बुला रही है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। ब्रीफकेस हासिल करना होगा। अगर कोई सबूत मिलेगा तो उसी में से मिल सकता है। आज रजत कहाँ जा रहा है? नाश्ता? क्या यार, तेरा वेट कर रहे हैं हम। मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं जल्दी में हूँ। ओहो, तो नाश्ता करने में कितना वक्त लगता है? मॉम सीरियसली, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। इट्स ओके, इट्स ओके। अरे मैं डब्बे में डाल देती हूँ, बात तो सुन। देख के नहीं चल सकती हो क्या? माफ कर बिन दादा बाबू। कोई बात नहीं, रख ले भाई तू। ये है क्या? दिल्ली का नक्शा। ये क्या? ये वर्ड पजल है यार। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कुछ कोड लग रहा है मेरे को। लेवल एरिया 1। ठीका भी मारा हुआ यार। शब्द सारे आगे पीछे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो सीकरी चौक जैसा लग रहा है। सिकरी चौकी तो वो जगह थी जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पहला ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं था, असली इंपैक्ट तो अगले ब्लास्ट से पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करियर शराफत से 3-4 लोग और भेज दीजिए, वरना समीर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मतलब? आपके पल्ले कैसे पड़ेगा डैड? एफओस मिशन के पेपर्स हैं तो ऑब्वियसली कोड में होंगे ना, आम आदमी पढ़ नहीं लेंगे। मतलब सही बात है यार। उठा ले, तू चाडू उठा, सारा सामान गिरा दिया मुंडे का। ध्यान नाल दीदी,
मौनी, तुम फिर बिना बताए बाहर जा रही थी? कहाँ जा रही थी? वो घर सब्जी खत्म हो गया था ना, तो इसीलिए बाजार जा रहा था। अरे सब्जी खत्म हो गया था तो मुझे बता देती। मैंने तुझे कहा था ना कि बिना पूछे कोई काम नहीं करना और खासकर बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। वो माफ कर मैं मेम साहब, जोलनी था तो इसलिए भूल गई। चल चल। क्या उसके बैग में नक्शे थे? जी दीदी, और उस मैप में कई जगह मार्क भी थे। दीदी वहाँ पे कुछ एरिया कोट पेपर भी था, बहुत पजल वर्ड में लिखा हुआ था, हमको समझ नहीं आया। हमें तो ये सोचते हुए एडमिट करने लग रहा है कि कोई एक साल से रजत बन के यहाँ पे रह रहा है, क्या है उसका मकसद? कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि रजत एयरफोर्स में? हो सकता है। अगर ऐसा है तो वो इंसान बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं कई लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अनु, हमें तो लगता है कि हमें दिव्यानी को और घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं दीदी, अभी नहीं दीदी। जो इंसान अपने प्लान बिछाने के लिए एक साल लगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे ये पता चल गया ना कि दिव्यानी या पूरे फैमिली को इस प्लान के बारे में या उसकी सच्चाई के बारे में पता है, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सबकी भलाई इसमें कि सब झूठ में ही रहे, किसी को कुछ भी ना पता चले। पर दीदी, पर क्या ना? अगर ये नकली रजत है तो हमारे रजत कहाँ है दीदी? ये लाइट क्यों नहीं जलाई? लाइट तो एक घंटे से नहीं आई, पता है क्यों? क्यों? इस अंधेरे का पूरा क्रेडिट हमको जाता है। सीकरी चौक में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से बड़ा वाला पावर हाउस चला गया, और दिल्ली में तो पहले से ही लाइट की प्रॉब्लम है, हमारी वजह से और बढ़ जाएगी। वो अगले प्लान की डिटेल आई क्या? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बॉस ही के पास। जैसे ही प्लान की डिटेल आती है हम अपना काम शुरू कर देंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर में जो नकली रजत है उसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं मिला जिससे पता लगे कि वो नकली है। शायद ऑफिस में कुछ मिल जाए। मुनी, ये क्या कर रखा है? सारा सामान बिखेर रखा है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अच्छा दीदी मुनी, किशोर गुस्सा लग चे? नहीं तो अच्छा प्लीज एक काम कर दो, ये ब्रेकफास्ट बच गया है, इसे फ्रिज में रख दो जाकर। अच्छा अच्छा, तो ये खाना ही अपना रागीर कारण, मतलब आपका गुस्सा की वजह है? क्या मतलब? मतलब आमी तो खाना बनाया नहीं, आपने खाना बनाया होगा और उन्होंने नहीं खाया होगा तो इसीलिए आप नाराज हो गया है ना?
कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में था शायद, इसलिए बिना खाए चला गया। आप एक काज करो ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सरप्राइज। हाँ वही 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 जाके दे दो। आप खुद खाना बना के उनको जाके ऑफिस में जाके खिला दो, वो भी खुश हो जाएगा और आपका भी नाराजगी खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है, हम खाना बना देते हैं, तुम इसे जाकर फ्रिज में रख के आओ, ये हम करते हैं। जी दीदी मोनी, इसी बहाने हम भी देवयानी के साथ ऑफिस चले जाएंगे, शायद ऑफिस जाके उस झूठे रजत के बारे में कोई सच्चाई पता चले। मम्मी जी। हाँ जी। वो हम रजत को खाना देने जा रहे हैं, कोई काम हो तो बता दीजिए, हम कर देंगे। नहीं नहीं कोई काम नहीं, तू जा। ठीक है। मीम साहब। हाँ। वो क्या है ना, अम्मी कभी एयरफोर्स ऑफिस देखी नहीं, मतलब जाने की बड़ी इच्छा थी, तो क्या हम जाबे? जा, ऐसे ही पूछ के जाया कर, मैं मना थोड़ी ना करूंगी, जब देखो चल देती है बगैर पूछे, अब जा ही रही है ना, तो मेरी बहू का वहां अच्छे से ख्याल रखना। धन्यवाद, चलो। रजत सर इनका केबिन कहाँ? आगे राइट साइड में। थैंक यू। आओ ना। देवयानी तुम यहाँ? हाँ। वो एक्चुअली सुबह आप बिना कुछ खाए चले गए ना, इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए लंच लेकर आते। इसीलिए तो इस ऑफिस के सारे लोग मुझसे जलते हैं, किसी और की बीवी ऐसी थोड़ी ना है। थैंक यू सो मच। चलो फिर खाना खाते हैं, तुम टिफिन खोल दो मोनी जी। नहीं यहाँ नहीं, एक्चुअली ऑफिस में अलाउड नहीं है। एक काम करते हैं, हम कैंटीन में जाकर खाते हैं, यहाँ पर भी काम डिस्टर्ब नहीं होगा और हम अच्छे से खाना भी खा लेंगे। खाना वहीं ले आओ। ठीक है, चलो चलो। मैं सुना नहीं मैंने क्या कहा, चलो। देवयानी थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। दीदी मोनी अभी हम बाहर इंतजार करते हैं। अब तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम रुक जाओ ना यहीं। दीदी मोनी आप समझती नहीं है, आपको अकेले में समय बिताने का। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, हम तुम्हें बाहर ही मिलते, ठीक है? रजत क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं।
एयरफोर्स के वेपन्स का इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफर कर रहा है? ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। राजू बोल बॉस, रजत भाग गया। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं। इसके दिन भर गए, अब छोड़ूंगा नहीं इसे। ये जरूर रजत के बारे में बात कर रहा है। अब हमें रजत को ढूंढना ही होगा। देवयानी? हाँ? कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे अभी कहीं जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम घर निकलते हैं। ठीक है। तुम लोगों के होते हुए वो भाग कैसे गया? बॉस, अंधेरा था इसलिए पता नहीं चला कहाँ चला गया वो। बॉस, लगता है उसने मोमबत्ती से रस्सी काट कर भाग निकला। बॉस, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने उसके पैर में गोली भी मारी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। लेकिन बॉस, वो बच के नहीं जा पाएगा, चारों तरफ जंगल है इसलिए। और जंगल के आगे हाईवे है, और अगर वो हाईवे तक पहुंच गया ना, तो तुम सबको ऊपर पहुंचा दूंगा मैं। अगर खुद से उठा नहीं जा रहा तो मैं कुछ मदद करूं?